अनलॉक को लेकर सीएम नीतीश ने जारी किए निर्देश। 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे शैक्षणिक संस्था। बिहार में कोरोना के मामले में लगातार गिरावट हो रही है, इसी वजह से अब सरकार लगातार लॉकडाउन को खोलने की तैयारी कर रही है। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को राज्य में लॉकडाउन को खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसी क्रम में उन्होंने शुरुआती अनलॉक के लिए निर्देश दे दिए हैं। पशुपति पारस को आया अमित शाह का फोन। पढ़िए बिहार के किन नेताओं को मिल सकती है मोदी कैबिनेट विस्तार में जगह। पीएम नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट की विस्तार कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के संगठन महामंत्री के बीच मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। वहीं दिल्ली के साथ साथ बिहार की राजनीति पटना में भी मोदी कैबिनेट विस्तार पर चर्चा शुरू हो गई है। दरभंगा में एक बहरी से गौड़ा बोराम तक फैला अवैध शिक्षक नियोजन का जाल। जिले के बहादुरपुर, दरभंगा सदर, बहरी, अली नगर और कुशेश्वर स्थान के साथ साथ गौड़ा बोराम प्रखंड तक पंचायतों में शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी करने वालों का जाल है। गौड़ा बोराम की कई पंचायतों में अवैध ढंग से, मंसरा और बगरासी पंचायतों में इनकी संख्या अधिक है। आधा दर्जन से अधिक प्रखंडों की 3 दर्जन पंचायतों में अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की आड़ में अवैध शिक्षक नियोजन के खेल में बड़े बड़े लोग शामिल हैं। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने उड़ान विमान कोलकाता से दरभंगा पहुंची इंडिगो की पहली फ्लाइट। हाल की शुरू हुए उत्तर बिहार के प्रमुख दरभंगा हवाई अड्डे पर इंडिगो एयरलाइंस का पहला विमान कोलकाता से सोमवार को पहुंचा। विमान चालक दल के कप्तान, पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सारण लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजीव प्रताप रूडी थे। सांसद राजीव प्रताप रूडी एक लाइसेंसी व्यावसायिक पायलट हैं। पिछले 10 वर्षों में उन्होंने लड़ाकू फाइटर प्लान राफेल, वो सुखोई आदि की सफलता पूर्वक उड़ान भरी है। दुनिया के पहले सांसद पायलट के रूप में रूडी का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। युवा जदयू का वर्चुअल सम्मेलन 11 को होगा। जुलाई को होने वाले वर्चुअल सम्मेलन की तैयारी को लेकर युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष अंकित तिवारी रात दरभंगा पहुंचे। युवा जदयू जिला अध्यक्ष राम शंकर सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्थानीय परिसदन में उनका पाक चादर एवं मिथिला पिंडी से भव्य स्वागत किया। बैठक के प्रारंभ में कुशेश्वर स्थान के दिवंगत विधायक शशिभूषण हजारी के तैलचित्र पर सभी ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि युवा जदयू अपने संगठन को मजबूत और विस्तारित करने के लिए जोर शोर से लग गया है। विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की युवा शक्ति के बारे में जो सोच है उसे हम अपने जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि 11 जुलाई को युवा जदयू की ओर से वर्चुअल सम्मेलन होगा। वीडियो को लाइक कर दे, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए न्यूज वीडियो लाते रहे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि सुबह सुबह सबसे पहले न्यूज आप देख सके। आवास योजना में गबन के आरोपी को करे गिरफ्तार। अनुमंडल आरक्षी कार्यालय में SDPO उमेश्वर चौधरी की अध्यक्षता में मासिक क्राइम मीटिंग हुई। बैठक में पुलिस अनुमंडल के सभी थाना में जून माह में प्रतिवेदन 105 कांडों की समीक्षा की गई, जिसमें SR 18 एवं नन SR 88 शामिल है। समीक्षा के दौरान SDPO ने बहरी प्रखंड के निमैठी पंचायत में PM आवास योजना की राशि गोलमाल करने के आरोप में अभियुक्त आवास सहायक प्रवेक्ष एवं मुखिया को शीघ्र गिरफ्तार करने का आदेश SHO दिया। उन्होंने अब तक दर्ज शराब कांड के लंबित कार्यवाही को जुलाई माह में पूरा करने का आदेश दिया। बहरी के बलात्कार कांड के अभियुक्त को शीघ्र गिरफ्तार करने का आदेश दिया। आगामी बकरीद पूर्व एवं पंचायत चुनाव को देखते हुए सभी SH को अपने अपने क्षेत्र में असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर निरोधात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया। CCA गुंडा एक्ट के तहत अपराध कर्मी के विरुद्ध प्रस्ताव भेजने का भी आदेश दिया है। मंत्री के इस्तीफे की पेशकश का किया समर्थन। दरभंगा थोक मछली विक्रेता संघ ने समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के इस्तीफे की घोषणा का समर्थन किया है। संघ के अध्यक्ष विनोद सहनी ने बयान जारी करते हुए कहा कि मंत्री श्री सहनी जमीन से जुड़े नेता हैं। उन्होंने अफसरशाही के सरकार पर हावी होने की बात कही है। वैसे जनप्रतिनिधि को दरकिनार कर दिया गया जिनका जनता से सरोकार रहा है। मछली विक्रेता संघ के साथ पिछड़ा व अति पिछड़ा भी मंत्री का बयान का समर्थन करते रहे। बिहार में खुलेंगे स्कूल कॉलेज, जानिए क्या होगी शर्तें। बिहार में कोरोना संक्रमण की थमती रफ्तार के बीच सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में लगी पाबंदियों के अनलॉक 4 का ऐलान कर दिया है। सीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी गई।
प्रदेश में विश्वविद्यालय सभी कॉलेज तकनीकी शिक्षण संस्थान सरकारी प्रशिक्षण संस्थान 11वीं व 12वीं तक के विद्यालय 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क साथ छात्राओं शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था होगी। बिरौल में बाइक चोरी गिरोह लगातार घटनाओं को दे रहे हैं अंजाम। थाना क्षेत्र में लगातार हो रही बाइक चोरी से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। हैरत की बात यह है कि बाइक चोर गिरोह स्प्लेंडर प्लस को ही निशाना बना रहे हैं। लगातार हो रही बाइक चोरी की घटना में पुलिस को बाइक बरामदगी करने में कोई भी सफलता नहीं मिली है। बीती रात बिरौल गांव में मध्य विश्वविद्यालय सोनपुर के प्रधान अध्यापक व बिरौल गांव निवासी सुरेश ठाकुर के दरवाजे पर लगे BR07NG4422 हीरो स्प्लेंडर बाइक चोरी कर चोर फरार हो गया। इसको लेकर प्रधानाध्यापक ने थाना में आवेदन देकर बताया कि रोज की तरह अपनी बाइक रात्रि में दरवाजे पर खरीद कर घर में सो गए थे। सुबह उठने पर बाइक अपनी जगह पर नहीं पाई गई। गौरतलब है कि पिछले जून माह में सिपौल सहित क्षेत्र के विभिन्न जगहों से आधा दर्जन बाइक की चोरी हो गई थी। बाइक बरामद करने के मामले में पुलिस की सफलता नहीं मिली। चोरी की घटना को लेकर प्रभारी थानाध्यक्ष किशोर कुणाल छा ने बताया कि पुलिस ने बाइक चोर गिरोह को पकड़ने के लिए जाल बिछा दी है। शीघ्र ही चोर पुलिस के कब्जे में होगा। रासकिला के पास पुलिया निर्माण के लिए धारणा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय प्रभारी अमन सक्सेना के नेतृत्व में दरभंगा रासकिला के पास टूटी पुलिया का निर्माण करने को लेकर धारणा दिया गया है। अमन सक्सेना ने कहा कि शर्म की बात है कि इस पुलिया निर्माण को लेकर हमें आज भी आंदोलन करना पड़ रहा है। पिछले 5 महीनों से पुलिया टूटी हुई है, इस और प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है। लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयां का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पुलिया किनारे गिरे पोल के सहारे रास्ता पार करने को मजबूर है। अगर जल्द इस और ध्यान नहीं दिया गया तो एक बड़ी घटना घटित हो सकती है। दरभंगा जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार झा ने कहा कि सांकेतिक धरने के माध्यम से हम प्रशासन को संचेत कर रहे हैं। अगर एक सप्ताह के अंदर हमारी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होती है तो यूनियन के नेतृत्व में आक्रोशपूर्ण आंदोलन किया जाएगा। मौके पर अनीश चौधरी, नरेश शाह, आदित्य मिश्रा, शाहुल दास, अर्जुन कुमार, वृद्धि विशाल झा, मनीष कुमार झा आदि मौजूद थे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दरभंगा बाजार।